गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीति आस्था जैनब, आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? यस यस। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के पास वर्कबुक है हिंदी की? यस मैम। है सबके पास? प्रीति आस्था और जैनब आपके पास? नो मैम। किसके किसके पास नहीं है बताइए। मैम मेरे पास नहीं है। बाकी प्रीति और जैनब आपके पास है ना? यस मैम। अच्छा जिसके पास भी है, बाकी बच्चे जिनके पास नहीं है ले लीजिए। तो आज हम लोग वर्कबुक वाला करेंगे, ठीक है, जो हिंदी का है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं, ठीक है? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। या कह सकते हैं इसको प्रैक्टिस बुक है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपने लिटरेचर में पढ़ा है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर के, यहाँ पे हम लिटरेचर भी याद लिख दे रहे हैं, ठीक है? वर्कबुक से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी लिटरेचर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से आपको इसमें क्या करना है, फिल करना है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लिटरेचर का, प्रीति जैनब बोलिए। यस मैम। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, समझ में आया था ना वो क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है? यस मैम। तो यही चीज इसमें है कि आपको उसका सारांश बताया गया, आपको बताया गया कि इसमें है क्या, और उसके बाद आपको जो आगे की लाइनें हैं उनको फिल करना है, ठीक है? क्या है इतनी चीज? फर्स्ट है आपका कविता सार है कि कविता का क्या अर्थ है, ठीक है? तो हम पंछी उन्मुख गगन के, यही था कविता का नाम, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, हम पंछी उन्मुख गगन के। तो इसमें क्या बताया गया है कि पक्षियों का स्वभाव होता है खुले आकाश में उड़ान भरना। पक्षियों का क्या व्यवहार, उनका स्वभाव क्या है कि हम खुले आकाश में क्या करें, उड़ सके और क्या करें, आजाद रह सके। वे पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। वो बता रही है कि वे पिंजरे में, मतलब कि कहीं पे भी वो बंदी बनकर नहीं रहना चाहती। पिंजरे में बंद होकर वे खुशी से चहक नहीं पाएंगे। वो बताना चाह रही है यहाँ पे जितने भी हैं पक्षी, तो वो बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिंजरे में बंद रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, चाहे पिंजरा कैसा हो, सोने का ही क्यों ना हो, उससे टकरा कर उनके नाजुक पंख टूट जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे टकरा कर आपके नाजुक पंख टूट जाएंगे। पक्षी भूखे रहना या कड़वी निबोरी खाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्हें सोने की कटोरी का मैदा पसंद नहीं आएगा। यही बताया गया था ना कविता में कि यहाँ पे पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें आजाद रहना पसंद है, हम कड़वी चीज खा सकते हैं, लेकिन हमें सोने बंद रह के क्या करना है, सोने की कटोरी में मैदा खाना पसंद नहीं है। पिंजरे में बंद पक्षी बंधन के कारण अपनी उड़ान भूल गए। जब पक्षी ये जब पिंजरे में बंद हो जाते हैं पक्षी, तो क्या करते हैं वो भूल जाते हैं कि हमें कैसे उड़ना है, और लगातार पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूला झूलने के सपने देख रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बस सपना देखते रह जाते हैं कि हम आकाश में ऊंची डाल पर कैसे झूला झूलें। फिर उसके बाद क्या है, उनका सपना है कि वे आसमान में उतने ऊपर उड़े जितनी तारों की ऊंचाई। वो कह रहे हैं कि हम आसमान में उतना ऊपर उड़ना चाहते हैं जितनी हमारी ऊंचाई है, मतलब किसकी, तारों की ऊंचाई है। वे क्षितिज को पाने की चाहत
रखते हैं वो किसके तहत रखते हैं, क्षितिज मतलब होता है आपका जहां धरती और आसमान मिलते हैं, ठीक है। क्षितिज मतलब क्या होता है, जहां धरती और आसमान मिलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि वो क्षितिज पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपका उनका सपना है कि वे आसमान में इतने ऊपर उड़े कि जितने तारों की ऊंचाई है। वे क्षितिज को पाने की चाहत रखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पक्षियों की सबसे विनती है, जो पक्षी है वो उनकी पक्षियां सारे मिलकर कह रहे कि हमारी विनती है कि चाहे हमें घोंसला ना दो, घोंसला तोड़ दो, किंतु यदि भगवान ने पंख दिए, यदि ईश्वर ने क्या किया है, अगर हमें पंख दिया है तो उनकी उड़ान में बाधा कोई ना डालो। कहते हैं अगर हमें पंख मिले तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालिए। कितनी चीज समझ में आई आप लोगों को, बताइए। प्रीति जाना आपको हमने लिटरेचर में भी यही चीज बताया था और इसमें भी आपका यही है। तो शब्दार्थ आपकी बुक में है, लिटरेचर वाली बुक में था? नो मैम, नहीं था ना। तो आप लोग शब्दार्थ यहाँ से कर लीजिएगा। आपकी वर्क बुक में क्या है, प्रैक्टिस बुक में आपका शब्दार्थ दिया है, तो आप लोग इस बुक से कर लीजिएगा। फिर आपका है अभ्यास कार में आप लोग क्या करोगे कि कठिन शब्दों को क्या करना है, लिखना है। तो आप लोग जो शब्द दिया है उसी को आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक, अब जो है क्वेश्चन आंसर अभी हम कराते हैं। उस पहले जो छोटी चीज बोलो है क्या जरा, बुक है आपकी एनसीईआरटी प्रैक्टिस बुक, ठीक है। प्रैक्टिस बुक है आपकी, तो हम क्या बता रहे थे कृति, क्वेश्चन आंसर अभी कराते हैं। अभी हम जो छोटी चीज है उसको, पेज नंबर 3 मिला, पेज नंबर 3 खोलो। मिल गया कृति? यस मैम। भाषा की बात है, देखो है कि नहीं। कृति माइक ऑन करो, जिसके पास बुक है उसी से हम पूछेंगे ना, इसलिए माइक ऑन करो कृति। देखो भाषा की बात में फर्स्ट वाला जो है, रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए, ये वाला है आप में? यस मैम। तो फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है कि पक्षियों को उन्मुक्त, मतलब कि उन्मुक्त जो है उसको क्या करना है आपका, अंडरलाइन जो किया गया उसका आपका विलोम लिखना है। तो उन्मुक्त का क्या विलोम हो जाता है, उन्मुक्त का क्या विलोम होता है बताओ, कर्तन, ठीक है। उन्मुक्त मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, कर्तन। क्लियर है? फिर सेकंड है, हम सभी को स्वतंत्रता प्यारी है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, परतंत्रता में जीवन नर्क के समान है। उन्मुक्त मतलब क्या होता है, खुला, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो अपरतंत्र मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। इसी तरह स्वतंत्रता मतलब आजादी, अपरतंत्र मतलब बंधना, ठीक है, बंधन में। फिर है
या तो जीवन से बिझो हो जाता या क्षितिज से मिलन हो जाता। सॉरी, हमने उनसे बता ही दिया है, बिझो का विलोम हो जाएगा आपका, इसका विलोम क्या होगा बताओ कृति जानत? बिछो मतलब होता है बिछड़ना और मिलन मतलब होता है मिलना। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। फिर आपका है सीमाएं, तो धरती की हो सकती है, गगन तो डैश होता है, सीमाएं मतलब बताइए इसका विलोम क्या होगा। प्रीति जानव बताएं, प्रीति चलिए इसका क्या होता है, सीमाएं का विलोम क्या होता है जानते हो? अनंत होता है। नो मैम। इसका होता है अनंत। ठीक है, सीमाएं मतलब एक लिमिट में बंधना, एक लिमिट तक, और अनंत मतलब इनफिनाइट, मतलब कि इनफिनाइट मतलब अनंत, जिसकी सीमा ना हो। ये चीज समझ में आ गया, ये फर्स्ट वाला फिल हो गया आप लोगों का? यस मैम। फिर सेकंड है कि उचित विकल्प चुनिए, तो आपको क्या करना है, एक आपका समूह मतलब युग्म दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत, मतलब सही वाले पे हमें टिक करना है। आसमान युग पर सही का निशान लगाएं, मतलब कि जो आसमान है जो मिलते जुलते नहीं है। ठीक है, स्वर श्रृंखला, कनक कटोरी, कनक तीलियों, भूखे प्यासे, किस पे टिक होगा मैम? खा वाले पे, कनक तीलियों ना? यस मैम। चलिए सेकंड है, पेड़ का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है, विटप, तरु, विहंग, वृक्ष? मैम विहंग। वेरी गुड, विहंग। फिर है आपका आपठित काव्यांश, मतलब कि थर्ड है, कविता का अंश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब इसमें कविता का अंश मतलब पाठ आपको दिया गया, उसको पढ़ना है और आपको फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर देना है। तो क्या था, असफलता एक चुनौती है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, असफलता क्या है, एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, इसे हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रह गई, देखो और सुधारो। क्या होता है कि जब कभी कभी हम असफल होते तो उसके पीछे हमारी क्या रहती है, कोई कमी रहती है, कोई वजह रहती है, तो क्या करना है हमको, अपनी असफलताओं से पहले हमें देखना है कि हम किस वजह से असफल हो गए, उस कमी को पूरा करने के लिए फिर से हमें सफलता उसको सुधारना पड़ता है, फिर सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब तक ना सफल हो, कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार असफल हो गए हो तो उसके बाद जब तक आप सफल ना हो जाए, नींद चैन को त्याग दो, नींद और नींद मतलब सोना बंद कर दो, बंद मत कर दो मतलब कम कर दो, और चैन मतलब कि ये नहीं कि फ्री बिल्कुल रहो, ठीक है, चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। अगर एक बार तुम असफल हुए हो, दो बार हुए हो, तीन बार हुए, चौथी बार तो जरूर तुम सफल होगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो तो आपकी जय जयकार होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर वन है, अब यहाँ पे आपने इसको पढ़ा, पाठ का थोड़ा सा अंश पढ़ा, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर लिखना है, कैसे लोगों की हार कभी नहीं होती, आंसर क्या होगा इसका? मैम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आंसर आपका क्या हो जाएगा,
कोशिश करने वाले लोगों की हार नहीं होती, कभी नहीं होती। वेरी गुड। तो लिख लोगी कृति कि हमें बोर्ड पे लिखना है? मैम लिख लेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक क्या करना चाहिए? मैम परिश्रम करना चाहिए। आंसर नंबर टू है, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नींद चैन का त्याग करना चाहिए। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। थर्ड क्वेश्चन है, असफलता को कवि किस रूप में देखने को कह रहे हैं? जो असफलता है उसे कवि किस रूप में देखने के लिए कह रहे हैं? बताओ इसका आंसर। बता सकती हो कृति? नो मैम। असफलता को कवि एक चुनौती के रूप में देखने को कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड। क्लियर है? यस मैम। फिर आपका है कि पद्यांश से एक पुनरुक्त शब्द खोज कर लिखिए। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है, निद्रा शब्द का तद्भव रूप पद्यांश से छाट कर लिखो। लिख लोगी इसके बारे में जानती हो कि नहीं? हम लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। छोटा है आंसर, नहीं मिलेगा आप हमको बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक है, फिर आपका है उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग फिल कीजिएगा एक बार, नहीं आता है तो फिर हम कराएंगे। ठीक है, या हम बोले लिखोगी प्रीति? यस मैम। लिखो आंसर नंबर वन, पक्षी किनके सपने देख रहे हैं? ये वाला ना, देखो मिला? यस मैम। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पक्षी किन के सपने देख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पिंजरे में कैद पक्षी बंधन युक्त अपनी उड़ान भूलकर और Thank you.
ठीक है, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा कि पिंजरे में कैद पक्षी बंधन युक्त अपनी उड़ान भूलकर और पेड़ की ऊंची डाल पर झूला झूलने के सपने देख रहे हैं। यहाँ तक हो गया? यस मैम। लिख लियो? यस मैम। आंसर नंबर सेकंड है, बता सकते हैं आंसर नंबर सेकंड क्या होगा? कविता में चोंच और तारों के लिए कौन से विशेषण प्रयोग किए गए हैं? आंसर नंबर टू है, कविता में चोंच और तारों के लिए लाल किरण सी और तारक अनार विशेषण प्रयोग किए गए हैं। हो गया प्रीति? यस मैम। आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया? यस मैम। अब जो दीर्घ वाला है वो हम लोग कराएंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। फिर उसके बाद है सेकंड चैप्टर है जो आपका, अभी या तो हम पीडीएफ इसका भेजेंगे, ठीक है, नहीं तो हम इसको कर लो, अगर हम बोले तो कर लोगी, लिख लोगी। चलिए लिखिए, बंधन में रहने से पक्षियों की क्या दशा हो रही, यही क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि बंधन में रहने से पक्षियों की क्या दशा हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बंधन में रहने से, लिखो, मिल गया? यस मैम। समझ में आ रहा ना? बंधन में रहने से पक्षियों की खुशी से चहचाना, पुलकित पंख का टकरा कर टूट जाना, कौमा रहेगा, ठीक है? यस मैम। बंधन में रहने से पक्षियों की खुशी से चहचाना, कौमा, पुलकित पंख का टकरा कर टूट जाना, फिर कौमा, तरु के ऊपरी फुनकी पर झूलना, कौमा, आनंद क्षितिज पर उड़ना, कहाँ तक हुआ है बोल देना प्रीति, ठीक है? यस मैम। बोलिए कहाँ तक हुआ है? मैम जहाँ तक आप बोलिए। बताओ तुम, बोलो शब्द, बोलो लास्ट का। मैम बंधन के बाद, बंधन तो लास्ट का कोई शब्द नहीं बोला मैंने, क्या लिखी? अच्छा क्या लिखी हो ये बताओ कृति, क्या लिखी हो? मैम खुशी से चहचहाना। और उसके आगे? मैम उसके आगे लिखना है बेटा, हमने तीन लाइन बोला है। चलिए फिर से जो बोल रहे हैं लिख सुनो। बंधन में रहने से पक्षियों की खुशी से चहचाना, देखो आंसर नंबर वन है, ये लिखी थी, बोलो
प्रीति ये लिखी थी? यस मैम। बता देना जहां पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है? यस मैम। देखो यहाँ तक लिख लियो, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहीं तक होगा, ठीक है? उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। तो हो गया यहाँ तक? यस मैम। पूरा लिख लियो? यस मैम। बड़ी फास्ट लिखी हो, लिखी भी हो ना? यस मैम। चलो जो सेकंड थर्ड है ये सब हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? आप जो आपका यह होमवर्क है आप बुक से कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है? ये सब सब बुक में है। तो सेकंड जिस तरह हमने फर्स्ट लिखवाया है देख लीजिएगा कहाँ पे है आपका, उसी तरह सेकंड थर्ड में आपको वैसे ही लिखना है। इतनी चीज समझ में आई? बोलो। फिर उसके बाद है आपका, ये सब हो गया पूरा जो? हाँ, ये लास्ट में फिफ्थ वाला है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनके भाव यहाँ दिए जा रहे हैं। यही पूछा है, देखो है ये क्वेश्चन आप लोग ने? यस मैम। तो फर्स्ट क्या था? भाव। परतंत्रता में पक्षी अपना मौलिक हुनर उड़ना भी भूल गए हैं, तो इसका हमें भाव क्या लिखना है? तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ पे आंसर नंबर है? आंसर लिखो प्रीति, आंसर लिखिए। यस मैम। बोलिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बताना कहाँ तक लिखी हो? यस मैम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति कौमा उड़ान सब भूले। मैम 2 मिनट रुक जाइए। यस मैम। इसका आंसर हो जाएगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। बस सपनों में
देख रहे हैं कि तरु की फुंगी के फुंगी पर के झूले, ठीक है, समझ में आया? ये दिख रहा है? नो मैम. आप दिखा? यस मैम. लिख लियो पूरा? यस मैम. तो इतना लिख ली हो तो क्या करना है आपको? अब जितना बच्चा है, जितना हमने अभी करा दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो हमने ही अभी कराए हैं वो आपकी जो पहली बुक है लिटरेचर वाली, उसमें दिए हैं आंसर, उससे टिक करके लिख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा. नहीं समझ में आएगा जब नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्लास होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा. कोई दिक्कत हो तो बताओ अब इसमें, जो ना समझ में आया आप लोगों को. इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट वाला कराया था ना, परतंत्रता में पक्षी अपना मौलिक हुनर उड़ना भी भूल जाते, तो इसी तरह आप सेकंड वाला भी आपको जो है पक्षियों की सोने की कटोरी में सरलता से उपलब्ध अच्छा भोजन पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर भी इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा. क्लियर है? यस मैम. कोई दिक्कत अब इसमें? तो इसमें का शब्दार्थ किसमें लिखोगी? वर्क बुक का शब्दार्थ आप किसमें लिखोगी? लिटरेचर वाली बुक में, कॉपी में, और बाकी चीज सब बुक में होगा, ठीक है, सब चीज बुक में होगा, कोई भी चीज कॉपी में नहीं होगी. वर्क बुक की बात कर रहे हैं, जो आपकी प्रैक्टिस बुक है वो आपका जितना भी आंसर है आप बुक में फिल कीजिएगा, कॉपी में नहीं. लेकिन जो इसका शब्दार्थ है वो किसमें करोगे? लिटरेचर की कॉपी में. ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो पूछो आकृति जानव, बताइए. मैम कुछ नहीं. चलिए ठीक है, कर लोगी ना? बोलो, हो जाएगा पूरा काम? यस मैम. नहीं होगा तो हमसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ लेना कि हमारा ये आंसर नहीं मिला है, ठीक है, जो आंसर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाकी कराएंगे. चलिए, थैंक यू बच्चों.